हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमान में। दोस्तों, ये वीडियो बन रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने अपने मीरेट पैड तीन टैब लॉन्च कर दिए, तो मैंने सोचा इसकी भी अपनी एक ओपिनियन दे दूं कि कैसा फ़ोन कैसा टैबलेट है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुआवे की मीरेट पैड 5M58 के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको CPU की बात करें तो इसमें कीरी का 960 का CPU मिलता है SoC के साथ। 4GB की रैम मिलती है आपको। इसमें इंटरनल की बात करें तो आपको तीन वेरिएंट के साथ आता है। एक मिल जाता है 32GB वाला वेरिएंट, एक 64GB वाला वेरिएंट और 128GB वाला वेरिएंट। अब बात कर लेते हैं इसके OS की, तो आपको इसमें EMUI का एंड्रॉयड ओरियो मिल जाता है, मगर जो ऑनर का अलग OS है वो आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन की, तो 8.4 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है 2.5 ग्लास के कर्व्ड ग्लास के साथ। फुल HD प्लस की स्क्रीन है, बहुत अच्छी स्क्रीन है दोस्तों। क्यों आप टैबलेट जो भी लेता है वो एकदम मूवी वूवी देखने के लिए लेता है, तो ये बात हो जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो 13 मेगापिक्सल का आपको f.2 का कैमरा मिलता है बैक में, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है f.2 के साथ। अब बात कर लेते हैं 5100 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है क्विक चार्ज के साथ। 9V 2A का चार्जर है और एक गोल्ड कलर और एक स्पेस ग्रे कलर के साथ आ जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये मुझे टैबलेट बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैंने और भी मार्केट में टैबलेट देखे हैं, वो उनकी ना ही कैमरा अच्छा होता है, बैटरी अच्छी होती है, मगर ना ही डिस्प्ले अच्छा होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसकी प्राइसिंग मैं आपको लास्ट बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीडिया पैड 5M510, बहुत अजीब नाम रख दिए हमने, तो इसमें भी आपको सेम कीरी का 960 SoC का प्रोसेसर मिल जाता है। 4GB की रैम, जो GPU है वो आपको मिल जाता है माली का 671 MP8 के साथ। आपको इसमें भी एंड्रॉयड ओरियो और जो इनका सिस्टम मिलता है EOIMU, वो आपको इसमें स्क्रीन बस बढ़ा दी है। 10.8 इंच की स्क्रीन है, जो बहुत अच्छी स्क्रीन है, जैसे मैंने आपको बोला था। 2.5 ग्लास दे दिया है इसके साथ। आइस कम्फर्ट मोड भी दिया है, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा टैबलेट चलाते हैं तो उससे बच जाएंगे। अब बात करते हैं कैमरा की, सेम कैमरा मिल जाता है 13 मेगापिक्सल और 2F.2 अपेचर का। 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है और रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का। अब इसमें भी आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, 32GB रैम और 64GB रैम और 128GB वाला रैम। इसमें 4G वोल्टी के साथ मिलता है। 7500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। इसमें भी आपको दो कलर मिल जाते हैं, स्पेस ग्रे और एक गोल्ड। अब बात करते हैं इसमें भी आपको क्विक चार्ज सपोर्ट मिल जाता है, 9V 2A का चार्जर। मेरे हिसाब से दोनों टैबलेट बहुत अच्छे हैं। अब जो प्राइस होगा वो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। अब बात कर लेते दोस्तों मीडिया पैड M5 Pro की, तो उसमें आपको कीरी का 960 का प्रोसेसर सेम टू सेम मिल जाता है। आपको 4GB रैम मिलती है और GPU भी मालिक का 671 MP8 का वही मिलता है। इसमें भी आपको सेम UI मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो स्क्रीन भी आपको सेम मिलती है, 10.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले। अब बात कर लेते हैं इसमें भी आपको कुल आइज कंफर्ट का मोड मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का बैक आपको मिल जाता है कैमरा। अब बात करते हैं इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 64GB वाला एक 128GB वाला। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 7500 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और गोल्ड और स्पेस ग्रे में आपको मिलेगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा इसमें भी। अब बात कर लेते हैं लोग की प्राइस, तो मैं आपको चाइनीज़ मतलब यूरोपियन में बताऊंगा, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीडिया पैड 5 की, तो उसमें आपको बेस वेरिएंट की बता देता हूँ। उसमें आपको $350 की वो होगी। और अब बात कर लेता हूँ सबसे हाई की, जो 4G वोल्टी के साथ और 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा, वो $550। तो दोस्तों इन सब की इतनी सारी इतनी प्राइस है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों टैबलेट बहुत अच्छे हैं। इंडियन प्राइस जब आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हुआवे ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे टैबलेट निकाले। अब जो प्राइसिंग होगी वही मेन थिंग है दोस्तों। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। बस दोस्तों, बाय बाय।